हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग मे इट ईजी आई हैव कम विद द व विडियो फॉर ग्रेड नाइन हामिद खान चैप्टर क्वेश्चन एंड आंसर्स इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द समरी वीडियो ऑन दिस चैप्टर प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट आई विल बी पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द चैप्टर हामिद खान फर्स्ट क्वेश्चन लेखक का परिचय हामिद खान से किस परिस्थितियों में हुआ सो इन वॉट सिचुएशन और वॉट सर्कमस्टेंस डिड लेखक मीट हामिद खान इज़ अ क्वेश्चन आंसर हामिद पाकिस्तानी मुसलमान था हामिद खान वॉज अ पाकिस्तानी मुस्लिम वह तक्षशिला के पास एक गाँव में होटल चलाता था सो ही नियर बाई टू तक्षशिला प्लेस ही वॉज एक्चुअली रनिंग अ होटल ओके लेखक तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए पाकिस्तान आया तो हामिद के होटल पर खाना खाने पहुंचा सो एक्चुअली द लेखक हैड कम टू तक्षशिला खंडहर अ प्लेस इन तक्षशिला ही हैड कम हियर एंड इन पाकिस्तान वेर यू नो हामिद खान्स होटल वाज़ देयर

घूर घूर कर देख रहा था मीन्स यू नो वैन यू रोल योर आईज एंड योर लुकिंग एट अ पर्सन यू नो स्पेशली वैन यूर वैन यू सी अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर लाइक लुकिंग एट द पर्सन एंड मे बी जजिंग और समथिंग सो सेम वे हामिद खान वॉज लुकिंग एट लेखक विथ इज राउंड राउंड आईज़ घूर घूर कर देख रहा था एंड बट वेन दे स्टार्ट स्पीकिंग विथ ईचर आपस में बात की दैट टाइम हामिद खान लेखक से बहुत प्रभावित हुए मीन्स ही बिकेम वेरी हैप्पी वेरी सैटिस्फाइड एंड वेरी यू नो वेरी हैप्पी मीटिंग लेखक हामिद खान वॉज़ वेरी हैप्पी मीटिंग लेखक वहीं पर उनका आपस में परिचय भी हुआ एंड दैट इज वेन दे बोथ दे बोथ सॉरी दे बोथ गॉट टू नो ईच अदर परिचय मीन्स टू नो ईच अदर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आँखों से देख सकता हामिद ने ऐसा क्यों कहा सो दिस इज़ अ लाइन विच वॉज सेट बाय हामिद खान एंड इट इज़ काश मैं आपके मुल्क में आकर यू नो आई विश आई कुड कम टू योर प्लेस मुल्क योर प्लेस एंड ये सब अपनी आँखों से दिख सकते एंड आई कुड सी ऑल दिस विथ माई ओन आईज ना वेन डिड ही स्पीक दिस एंड वाई लेट्स द आंसर लेखक और हामिद ने जब आपस में बातचीत की तो उस बातचीत के दौरान इट्स रिटन किन इट्स के ओके इट्स अ मिस्टेक के दौरान हामिद को पता चला कि भारत में हिंदू मुसलमान सौहार्द से मिलजुल कर रहते हैं सो so, when Lakak and hamid khan were speaking to each other that is when bhatti's ba i'm sorry Cheet means speaking okay so when they were speaking with each other uh, bhatti ke Dauran means that, at that time okay when they were speaking at that time that is when hamid khan gets to know that in india bharat mein hindu and muslim they live uh, you know very peacefully and with a very good relation with each other we know in our country we are blessed actually because there is no fight. Um, of course, there are fights also, but you know, normally if we see Hindu Muslims, they have their freedom to practice their own religion in our country, India. Like in Pakistan, Hindu Muslims. Means they are seen as two different people. Hindu and Muslims are seen as two different people. Okay, they cannot be with each other, they cannot make friendship with each other. That was the situation in Pakistan. वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द की कमी के कारण आए दिन हिंदू मुसलमानों के बीच दंग होते रहे हैं सो ड्यू टू यू नो सौहार्द मीन्स अ गुड फ्रेंडशिप सांप्रदायिक सौहार्द मीन्स देर इज़ नो गुड फ्रेंडशिप देर इज़ नो गुड रिलेशन बिटवीन ईच अदर एंड ड्यू टू दिस वॉट हैपन्स हिंदू मुसलमान के बीच बिटवीन हिंदू एंड मुसलिम्स देर आर दंग दंग मीन्स देर देर आर फाइट्स दैट हैपन यू नो दैट इज़ हैपनिंग लेटली इन पाकिस्तान लेखक की बात हामिद को सपने जैसी लग रही थी एंड दैट इज़ वाई यू नो एक्चुअली हामिद का मज फीलिंग एज इफ ही वॉज लिसनिंग टू सम काइंड ऑफ ड्रीम वैन लेखक सेट दैट इन आर कंट्री इट इज़ नॉट सो हिंदू मुस्लिम लिव इन अ वेरी गुड हिंदू मुस्लिम्स हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप क्योंकि वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हिंदू मुस्लिम भी आपस में कहीं प्यार से रहते होंगे सो हामिद खान नेवर ड्रेम ऑफ ही कॉन्ट इवन ड्रीम अबाउट अ प्लेस वेर हिंदूज एंड मुस्लिम्स स्टे टुगेदर वेरी हैप्पली इन अ वेरी गुड रिलेशन ही कूडेंट थिंक अबाउट इट इन अ ड्रीम ओके okay. इसीलिए लेखक की बात सुनकर हामिद ने कहा कि काश वह भी लेखक के मुल्क में आकर ये सब अपनी आँखों से देख सकता दैट इज़ वाई दिस लाइन विच इज़ इन द क्वेश्चन दैट हामिद खान सेज़ आई विश दैट आई ऑल्सो कुड कम टू योर प्लेस एंड सी दिस रिलेशनशिप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विथ माई ओन आईज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था सो ऑन वॉट वॉज अ पर्टिकुलर थिंग विच वैन लेखक सेट हामिद खान कूडेंट बिलीव वॉट वॉज द थिंग सी द आंसर हामिद को लेखक की भेदभाव रहित बातों पर विश्वास नहीं हुआ लेखक ने हामिद को बताया कि उनके प्रदेश में हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं सो दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस आंसर That is again Hamid Khan when he says that there is no bhed bhav. means discrimination. There is no discrimination in our country. When Hamid Khan, uh, I'm sorry, when Lekhak says this, Hamid Khan cannot believe. He he cannot imagine that there is a place. Pradesh means there is a place where Hindus and Muslims. लिव इन अ वेरी गुड रिलेशन बड़े प्रेम से मीन्स लिव इन अ वेरी दे हैव अ वेरी लवली रिलेशन विद ईच अदर वहाँ के हिंदू बढ़िया चाय या पुलाव का स्वाद लेने के लिए मुसलमानी होटल में बिना किसी हिचकिचाहट के, के जाते हैं सो लेखक सेज दैट इन आर कंट्री इफ अ हिंदू पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ ग्रेट टी बढ़िया चाय या पुलाव पुलाव इज़ अ टाइप ऑफ अ बिरयानी इट्स नॉट एग्जैक्टली बिरयानी बट पुलाव ऑल्सो कैन बी सैर एज अ बिरयानी वेजिटेबल पुलाव सो का स्वाद मीन्स टेस्ट इन ऑर्डर टू हैव टेस्ट ऑफ सम पुलाव और यू नो टी गुड टी इफ हिंदू वॉन्ट्स ही कैन गो टू अ मुसलमानी हॉटल ओके सो दिस इज़ व्हाट लेखक इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट हिज यू नो कंट्री हाउ गुड रिलेशन दे कीप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स पाकिस्तान में ऐसा होना संभव नहीं था सो दिस वाज नॉट संभव दिस वाज नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान वहाँ के हिंदू मुसलमानों को अत्याचारी मानकर उनसे नफरत करते थे सो द पीपल द हिंदूज इन पाकिस्तान दे बिलीव दैट मुस्लिम्स आर अत्याचारी okay atyachari means a person who uh, you know who always wants bad of others they hurt them they they uh, atyachar means they, they are ready to attack the, the opposite person that kind of a person this is how muslims are always judged and due to which muslims are seen with a nafrat hatred and that is why there are always fights between hindus and muslims हामिद को लेखक के हिंदू होने की बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने कभी किसी हिंदू हिंदू को किसी मुस्लिम से इतने प्यार से बात करते नहीं देखा तो सो हामिद खान हुडेंट बिलीव दैट लेखक वाज अ हिंदू हिमसेल्फ बिकॉज नेवर डिड हामिद खान इन हिज लाइफ सी अ हिंदू स्पीकिंग इन सच अ गुड मैनर टू अ मुस्लिम ओके सो दिस इज़ वॉट द कंडीशन वॉज ऑफ़ पाकिस्तान आई थिंक इट वॉज मे बी इट इज़ नॉट इज बिकॉज this has become a very educated world now where i think people you know especially the new generation we the new generation we don't believe in such things i think in in pakistan also maybe these kind of things have uh you know improved a lot okay next question so hamid khan had said that i'm not going to take the money for the food you had from my hotel so why did he see why did he say so ज अ क्वेश्चन आंसर हामिद खान ने उन अनेक कारणों के कारण खाने का पैसा लेने देर आर वेराइटी ऑफ रीजन देर आर सॉरी देर आर वेरियस रीजन फाइव ऑफ दम है फर्स्ट वन वह भारत से पाकिस्तान गए लेखक को अपना मेहमान मान रहा था सो सिंस फ्राम इंडिया a Lekak has come to pakistan hamid khan saw lekhak as a guest mehman next hindu hokar bhi lekhak musliman ke dabe par khana khane gaya tha. so being a hindu also lekhak had come to a muslim person's hotel okay daba means a hotel only a small hotel which you see on on the way you know when you are going when you go on journey especially in india and all you can see dabas so, uh, in Pakistan also there are dhaba where, uh, uh, according to Hamid Khan Lekhak, being a Hindu, also he has come to my dhaba. You know, a Muslim person's dhaba to have food. So that is also a reason why he says I'm not gonna take money. Next, Lekhak Muslimano ko आतताइयों की औलाद नहीं मानता था यू कैन आई एम सॉरी यू कैन राइट आत तई और यू कैन राइट अत्याचारी ऑल्सो ओके इट्स ओके सो लेखक डेंट बिलीव दैट यू नो मुसलमानों को मुसलमान मुस्लिम वर अत्याचार ओके अ पर्सन हु ऑलवेज अटैक्ट हिंदूज और पीपल हु यू नो ऑलवेज हर्ट अदर्स लेखक डेंट बिलीव इन सच थिंग्स ओके सो दिस ऑल्सो मेड हामिद खान वेरी हैप्पी एंड ही फेल्स दैट मे बी आई शुड टेक मनी नेक्स्ट लेखक की सौहार्द भरी बातों से हामिद खान बहुत प्रभावित है सो इवन आमिरदान वॉज वेरी प्रभावित ही वॉज वेरी हैप्पी ही वॉज रियली रियली इंफ्लुएंस्ड प्रभावित एग्जैक्ट मीनिंग वी कैन सेज इन्फ्लुएंस्ड सो ही वॉज रियली इंफ्लुएंस्ड बाई द काइंड ऑफ सौहार्द भरी मीन्स यू नो अ गुड रिलेशनशिप फील्ड कॉन्वर्जेसन दिया हैड विद ईच अदर विद दिस ऑल्सो लेखक वज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड नेक्स्ट लेखक की आम सॉरी हामिद खान वॉज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड नेक्स्ट लेखक की मेहमान नवाजी करके हामिद अतिथि देवो भवा की परम्परा का निर्वाह करना चाहता था सो लेखक की मेहमान नवाजी मेहमान नवाजी मीन्स यू नो वैन यू हैव हॉस्पिटेलिटी टुवर्ड्स योर गेस्ट वेन यू सर्व योर गेस्ट वेल दैट इज़ कॉल्ड मेहमान नवाजी सो so, लेखक की मेहमान नवाजी करके हामिद uh, हामिद खान वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव अ सेंग दे इज़ अ दैट अतिथि देवो भव भवा मीन्स गेस्ट आर लाइक गॉड सो दिस सेंग ओल्सो हैड टू बी फुलफिल्ड अकॉर्डिंग टू हामिद खान सो दीज आर द फाइव रीजन्स वाई हामिद खान हैड डिनाइड फ्रॉम टेकिंग मनी फ्रॉम लेखक नेक्स्ट क्वेश्चन मलबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए सो इन मलबार एरिया मलबार साइड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हिंदू मुस्लिम इज़ अ क्वेश्चन मलबार में हिंदू मुसलमानों के आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ हैं जब कभी भी किसी हिंदू को अच्छी चाय या पुलाव खाने का मन होता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुसलमानों के होटलों में चला जाता है सो वेनेवा इन मलबार मलबार साइड देर इज़ अ वेरी गुड घनिष्ठ है मीन्स अ वेरी

के मिलजुल कर रहते हैं भारत में मुसलमानों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद लेखक के ही राज्य में है सो इन इंडिया द फर्स्ट मॉस्क वॉज विच वॉज बिल्ट इन इंडिया वॉज ऑल्सो एट लेखक प्लेस लेखक इज़ अ हिंदू ओके बट इन इट इज़ इन हिस प्लेस वेयर फर्स्ट मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स वर बेल्ट वहां सांप्रदायिक दंगे भी बहुत कम होते हैं एंड ऑल्सो दिस पॉलिटिकल और रिलीजियस फाइट बिटवीन यू नो बिटवीन द पीपल बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ऑल्सो वेरी लेस इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन तक्षश दिस इज द लास्ट क्वेश्चन तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौन था इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का पिचये सो इन तक्षशिला वेर लेखक हेड गॉन वन एंडी हैड मेट हामिर खान वो वे सो नाउ इन द प्रेजेंट ऐक्चुअली लेखक इन दब खबर इन इन न्यूज पेपर और इन न्यूज ई डोंट रिमर एक्सैक्टली इन द स्टोरी हाउ इट वॉज़ सो ही कम्स टू नो अब फायर दट हैज़ कॉट इन तक्षशिला

Uh, in Takshashila the first thing that comes to his mind is about Hamid Khan and his shop and his hotel he's scared lekhak is scared that uh, I, I wishes wishes out of scared that you know Hamid Khan and his hotel they are safe okay वह सोच रहा था कि कहीं हामिद हामिद की दुकान इस आगजनी का शिकार ना हो गई हो सो ही थिंक्स दैट आई विश हामिद खान होटल और दुकान शॉप इज़ नॉट शिकार मीन्स एक्चुअली यू नो प्रे ओके वैन देर इज़ हंटिंग टेकिंग प्लेस ओके एंड वेन द प्रे विच द हंटर ट्राइज टू टेक दैट प्रे सो पी आर ई वाई ओके सो लेखक विशेज दैट हामिद खान शॉप हैज़ नॉट बीन टू फायर वह हामिद की सलामती की प्रार्थना करने लगा एंड लेखक स्टार्टेड प्रेइंग प्रार्थना फॉर सलामती मींस फॉर वेल बीइंग ऑफ हामिद खान इससे लेखक के कृतज्ञ होने हिंदू मुसलमानों को समान समझने की मानवीय भावना रखने वाले स्वभाव का पता चलता है सो कृतज्ञ होने हिज़ यू नो हिज बिग हार्टडनेस हिज काइंडनेस एंड यू नो हिंदू मुसलमानों के समा को समान समझना टू सी हिंदूज एंड मुस्लिम्स इक्वली दिस कैन ऑल्सो दर इज़ नो डिसक्रिमिनेशन इन द माइंड ऑफ लेखक एंड ऑल्सो मानवीय भावना रखने वाले एंड ऑल्सो मानवीय भावना मीन्स अ ह्यूमैनिटी ही हैज़ अ फीलिंग फॉर ह्यूमैनिटी सो दिस इज़ वॉट वी कैन अंडरस्टैंड ऑफ लेखक फ्रॉम दिस uh situation okay so this is the end of this video i hope it was clear if you have any doubt you can ask me in the comment section thanks for supporting keep supporting and stay safe bye bye